मित्रों, महिला सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक की ये पहली कक्षा है जिसमें पढ़ने वाले हैं बाल विकास। बाल विकास मतलब बालकों का विकास। तो जो विकास होता है उसमें दो चीज़ें मेनली होती है, एक तो फिजिकल होता है जिसमें आपका हाइट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका आकार बढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये फिजिकल होती हैं, इनको बोलते हैं वृद्धि या ग्रोथ। ग्रोथ या वृद्धि जो होता है विकास का ही एक पार्ट है। विकास समझिए एक बड़ा डब्बा है, उसके नीचे एक छोटा डब्बा है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है जिसे वृद्धि बोलते हैं। यहाँ से समझिए वृद्धि या अभिवृद्धि। ओवरऑल विकास में वृद्धि भी आ जाता है, मानसिक विकास भी आ जाता है, सामाजिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी आ जाता है, इमोशनल विकास भी आ जाता है। तो विकास एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे हैं, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब भी वृद्धि की बात करेंगे उसमें आपकी आकार है, वेट है, हाइट है, संख्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं, मात्रात्मक होती हैं, मतलब उसको नाप सकते हैं, उसको माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ही वृद्धि होती है। लेकिन अगर मानसिक विकास की बात करें कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसको केजी में तो नहीं नाप सकते, उसको जाँचा जा सकता है, IQ को जाँचा जा सकता है, ये गुणात्मक होती है। क्या होती है? गुणात्मक होती है। तो देखिए वृद्धि और विकास को अगर हम अंतर देखें तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, ये असतत प्रक्रिया है, मतलब ये लगातार नहीं चलती है, 20-25 साल में ये थम जाती है, वेट लगातार नहीं बढ़ता, हाइट लगातार नहीं बढ़ती, लेकिन विकास होता रहता है, मनुष्य होशियार होता रहता है, मनुष्य समाज से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इमोशनली सीखता रहता है, हर कुछ सीखता रहता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है? वो विकास है। जो माइंड से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब क्या है? विकास है। और वृद्धि क्या है? केवल फिजिकल ग्रोथ। इसको आप अच्छे से पढ़ डालिए, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए। पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का एक तरह से बेसिक है, बिल्कुल ये आपको समझ में आता है तब आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। धन्यवाद।